नमस्कार, मैं नीरज गुप्ता बागपत और आप देख रहे हैं लाइव लोकवाणी न्यूज टीवी मेरे साथ। जी हाँ, डूंडा हेड़ा आज पहुंचे हैं माँ मंडलेश्वर वेदांत जी के पास में, जिनसे आपको रूबरू कराएंगे और उसे जानेंगे जिस तरीके से पूरे देश के अंदर ही नहीं बल्कि विश्व के अंदर भगवान श्री राम अयोध्या जगमगा रही है। हर तरफ रोशनी नजर आ रही है, हर तरफ उत्सव नजर आ रहा है और उसी उत्सव को मनाने के लिए 22 जनवरी, जी हाँ 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा होंगे आपका लोकवाणी न्यूज। जय हो। लोकवाणी न्यूज के सभी कार्यकर्ताओं को मैं महामंडलेश्वर भैया दास जी महाराज शुभ आशीर्वाद देता हूँ। इसलिए देता हूँ कि आपकी लोकवाणी जो है वो धर्म के लिए ज्यादा चलती है और बड़ी खुशी की बात है। राम जन्म भूमि पर जो भव्य आयोजन होने जा रहा है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भवन में गर्भगृह में पधार रहे हैं हमारे रामलला जी, वो बड़ी और खुशी की बात एक और है कि मुझ महामंडलेश्वर भैया दास जी महाराज को बागपत जिले की ओर से निमंत्रण मिला है। मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि रामलला ने मुझे बुलाया है और आप भी भाग्यशाली हैं कि रामलला की सेवा में आपका कैमरा चल रहा है, तो आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। भगवान आप सभी का भला करें, देशवासियों का भला करें, पूरे विश्व का हो। राम कार्य करते रहो, जो तक प्राण जो राम कार्य करता रहता है उसके ऊपर हनुमान जी विशेष कृपा करते हैं और जिनके ऊपर हनुमान जी विशेष कृपा करते हैं उनके घर में सदैव रोशनी। तरीके से एक लंबे संघर्ष के बाद ये खुशी, ये महोत्सव जो है देखने को नजर आ रहा है आएगा और ये 22 तारीख को देखने को मिलेगा कि जहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा जो है प्रभु श्री राम की होगी। साथ ही मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आप बहुत ही उत्साहित हैं, जैसे कि आपको निमंत्रण मिला, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको निमंत्रण मिला लेकिन वो उसके बावजूद भी जो है कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे, तो इस पर आप क्या कह रहे हैं? बालक जो होता है गाँव में कहावत है, कम्मखत बालक त्योहार के दिन रोसता है, कम्मखत बालक त्योहार के दिन रोसता है। तो जो दुष्ट लोग हैं, जिन्होंने दुष्टों के घर का खाना खाया है, साधु वेश में है, दुष्टों के घर का पैसा उनके घर में आया है, उनके आश्रम में दुष्टवर्ती का पैसा आया है, तो विनाश काल बुद्धि विपरीत उनका विनाश नजदीक है। जो रामलला के निमंत्रण को ठुकरा रहे हैं, जो रामलला की खुशी में खुश नहीं हो रहे हैं, उनके घर में तो जीवन में कभी खुशी नहीं होगी। फिर शुरू से ही देव दानव साथ साथ चले हैं, जो देवता कुल के लोग हैं वो सब खुश हैं, जो दानव कुल के लोग हैं वो तड़फड़ा रहे हैं, परेशान हैं। जैसे कौरव पांडव थे, पांडवों के साथ में भगवान कृष्ण थे, कौरव सदा तड़फड़ाते रहते, क्या हुआ एक दिन सब कुछ विनाश हो गया, उनका कुछ नहीं बचा है। ठीक उसी प्रकार चिंता ना करो, ये जितने भी दुष्टवर्ती के लोग निकल रहे हैं उनके हृदय की पीड़ा है, वो नहीं चाहते कि राम अयोध्या में वास करें, राम का भव्य मंदिर बने, वो नहीं चाहते थे, वो पहले से नहीं चाहते थे, उनके गुरुओं ने नहीं चाहा। जो लोग तड़फड़ा रहे हैं उनके गुरु भी सदैव हिंदू धर्म के, वो हिंदू धर्म के धर्माचार्य जरूर बने, शंकराचार्य पदों पर जरूर आ गए, परंतु उन्होंने सदैव हिंदुओं को तोड़ने की, क्योंकि उनकी नीति ही उनकी थी, जिनका मैं नाम लेने में भी अपने आप को संकोच करता हूँ, क्योंकि ऐसे दुष्ट आदमी का क्या नाम लें। बिल्कुल, तो वो लोग दुष्टवर्ती के लोग हैं जो भगवान के इस निमंत्रण को ठुकरा रहे हैं, वो इस योगी नहीं है कि वो भगवान राम के दर्शन, देवतुल्य देव के जो वंशज है या देव योनि को जो प्राप्त है वे ही लोग तो अयोध्या में जाएंगे। जो लोग राक्षस व्रति में राक्षसों के साथ जिन्होंने बैठकर प्लेट खींची है, जो राक्षसों के साथ सदैव भोजन प्रसाद पाया है, जो नाना प्रकार के मीट मांस को बड़ा अच्छा भोजन बताते हैं, तो वो लोग वहाँ अयोध्या में कैसे चले जाएंगे? अयोध्या में तो वही जाएंगे जो राम का लाल है, वही रामलला की सेवा। प्रधानमंत्री से जितने भी दुष्ट व्रति के लोग है उनको सबको परेशानी तो है ही, सबके घर में खाना पीना सबका धंधा बंद करा दिया है, तो परेशान है प्रधानमंत्री से। अरे पूरा विश्व जिसकी जय जयकार कर रहा है, हमारे यहाँ के जितने जयचंद है उनको छोड़ के सब प्रधानमंत्री को मोदी जी को मानते हैं, सब उनको ये समझ लो कि भगवान का ही अवतार मानते हैं, कितने लोग हम भी मानते हैं, देवी शक्ति उनके साथ है। पूरा विश्व आज मोदी जी पुकार रहा और जितने भारत में जयचंद भरे पड़े हैं वो उसके विरोधी है।
और रही प्राण प्रतिष्ठा की बात की, वो यजमान, वो मुख्य यजमान नहीं थे, वो तो उद्घाटन में जा रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री है। पूजा तो 16 तारीख से शुरू हो रही है, पूजा जो यजमान वाली बात, वो तो 16 तारीख से यजमान पूजा कर रहे हैं, पूजा तो 16 तारीख 16-17 से शुरू हो गई है, हो जाएगी जी। और उस दिन तो केवल उद्घाटन होना है, है? मंदिर का उद्घाटन होना, देश का प्रधानमंत्री उद्घाटन करने जाएगा, उससे पहले पूजा करेगा, बाकी जितने भी दुष्ट व्रती के जयचंद है वो तो कुछ ना कुछ चिल्लाते रहेंगे। एक दिन उनका भी वही हाल होगा जो जयचंद का हाल हुआ था, जो जयचंद का हाल हुआ था वही हाल इनका होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक साधु संतों पर खासा विश्वास रहता है, भक्तों का, लोगों का, और वही लोग कहीं ना कहीं राजनीतिक शिकार होते हुए नजर आते हैं, वही जो है राजनीतिक बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं, एक संत को राजनीतिक बयानबाजी पद पर है। नहीं, साधु संत का मतलब थोड़ी कि कपड़े पहने थे साधु संतों के, उन्हें कुछ पता ही नहीं। बताओ रामलला की इतना बड़ा भव्य आयोजन बन रहा और वो दिन रात चिल्ला रहे, उसका विरोध कर रहे, तो वो साधु संत का होने तो खुशी होनी चाहिए, उनको खुशी होनी चाहिए, उनको दरअसल उनके हृदय की जो आवाज है वो बाहर आ रही है, जो उनका असली वो कौन था, वो कालनेमी, ये सब सारे कालनेमी है। और हनुमान जी इनको ठीक तो कर देंगे, ठीक तो ये हो ही गए, परंतु आज योगी जी भी समझो हनुमान जी की तरह ही है, इन्हें योगी जी को सख्त आदेश करके जितने भी ये कालनेमी है सबको कालनेमी बाहर तो आगे, जितने भी देश के अंदर कालनेमी है ये सब बाहर तो आगे, बस अब तो योगी जी काम कर देंगे, इनको सबको सबके पद छीन लिए जावे इनके, और इनको सबको सजा दी जावे, तगड़ी से तगड़ी सजा मिले, जो राम का विरोध करने वाले, जो अयोध्या में रामलला का विरोध कर रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, इन सबको सजाए मिले। जी हाँ, भगवा के भेष में जो रामलला का या धर्म का विरोध करे उन पर कड़ी सजा होनी चाहिए, ये कहना है भैया दाजी का साफ साफ शब्दों में। और वे बाकी से सभी सवालों का जवाब दिया, ये हमारे सभी दर्शकों को जल्दी देखने को मिलेगा लोकवाणी न्यूज पर, मेरे सहयोगी किशन कुमार के साथ मैं नीरज गुप्ता लोकवाणी न्यूज पर। जय हिंद, जय भारत।